सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। मेहरबान हो अपनी पत्नी की बात को वह अपने सभी परिवार वालों को बताता है। सब घबरा कर विचार करने लगते हैं। तब दादा चहल जिसने बाद में बड़ोली बसाई थी सबको समझाते हुए कहते हैं कि हमको ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी पीने के लिए जमुना का पानी और गाय भैंस चराने के लिए खादर, और हम कायर बनकर भाग नहीं सकते। ये गुजरों की शान के खिलाफ है। हम बड़े बड़े योद्धाओं की संतान हैं। हम रणभूमि में जान तो दे सकते हैं मगर पीठ नहीं दिखा सकते। और फिर वह किस प्रकार से गुजर गौरव गाथा का बखान करता है इस रागिनी के माध्यम से सुनिए। सदा रहायान पे मिटना मकसद खास गुजरों का, तन सुना दूं मैं आज खो नहीं ते खास गुजरों का, आज ही ते खास गुजरों का। सदा रहायान हराया, देव सोलंकी
मेहरबानो, सुबह राजा रोड कुछ सैनिकों को गाय व भैंसों को लूटने को भेज देते हैं, मगर वीर गुजर उन्हें हराकर भगा देते हैं। तो फिर राजा रोड सेना की एक टुकड़ी भेज देता है, पूरी सेना से मुट्ठी भर गुजर जवानों को पार पाना भारी पड़ जाता है। तब उस औरत सावित्री के कहने से सभी सिद्ध बाबा को पुकारते हैं और सिद्ध बाबा प्रकट होकर के उनसे पूछता है। तब सिद्ध बाबा और उनके बीच में क्या सवाल जवाब होते हैं सुनिए सीतारामी। अरे क्या विपत्ता पड़ गई आज जो सिद्ध याद फरमाया रे। इलाज रखो महाराज आज तुसे मन सर पे चढ़े आया रे। इलाज रखो महाराज आज तुसे मन सर पे चढ़े आया रे। क्या विपत्ता पड़ गई आज जो सिद्ध याद फरमाया रे। और इलाज रखो महाराज आज तुसे मन सर पे चढ़े आया रे। इलाज रखो महाराज कारण से याद किया तू सारी खोल सुना दे रे। अरे सर पे आपत्या जी बाबा मारी लाज बचा दे रे। क्या विपता पड़ गई मेरे को साफ साफ समझा दे रे। अरे राजा रोड बना मारा दुश्मन है कोन्या ने गिरा दे रे। राजा रोड बना मारा दुश्मन है तुमको पड़ गई खबर फिर डेरा ठाया कोना रे। अरे ये सुंदर स्थान छोड़ना हमने चाहया कोना रे। हाथ जोड़ लेते राजा क्यों कर समझाया कोना रे। जर वीरों ने बाबा कदे शीश झुकाया कोना रे। हाथों में हथियार उठा लो कर बज्जर की छाती रे। अरे दस की सौ की ना सेना के आगे पार बसाती रे। अब तू मुझको बतला दे के तेरी आत्मा चाहती रे। भीड़ पड़ी पे मदद करो बिन तेरे कौन हिमाती रे। भीड़ पड़ी पे मदद करो तेरे कौन हिम्मत रे। इस साधु ने जीवन में
साधु होके लड़ने का ना फर्ज बने से मेरा रे। धर्म और अधर्म के बीच में है बाबा और तेरा रे। कर करे मत आज अधर्मी का कर दू ने बटेरा रे। सात जन्म तक हे बाबा हमें गुण भूले न तेरा। तो मेहरबानो सिद्ध बाबा एक तीर फटकर के अमर सिंह जो कि भांजा था उसे छुड़वा देते हैं। वो तीर एक सैनिक को लगता है और फिर सारे सैनिक इसी बात पर झगड़ने लगते हैं। आगे क्या होता है सारा हवाला इस रागनी के माध्यम से सुनिए। अरे हा हा कार मची दल में ऐसी संत ने माया फेरी रे। और लीले घोड़े वाले ने अपने तप और भक्ति का परा कर्म दिखाया साधु ने। अमर सिंह मर्दाने का कुल वंश बचाया साधु ने। अमर सिंह मर्दाने का कुल वंश बचाया साधु ने। और साथ निभाया साधु ने। चमत्कार हो गया भारी किसने मारा बाण कहने लगे ऐसी बड़गी में मारी। और आपस के में लड़ने लाग गए सेना भड़क गई सारी। और कट कट शीशे गिरन लागे भगे कार लड़ रहे बलकारी। और कट कट शीशे गिरन लागे भगे कार लड़ रहे बलकारी। खजा देख रहा था थपधारियों
नजर एक आते थे हनुमान सारुद रूप कर मैं त्रिशूल उठाते थे जान बचा के जो सैनिक रण छोड़ भागना चाहते थे नीले घोड़े वाले उनके ही सामी आ जाते थे बाबा सिद्ध की कृपा से वीर बैसला गुजर राजा रोड की सेना को हरा देते हैं। सभी सिद्ध बाबा की जय जयकार करने लगते हैं और कहते हैं कि हे बाबा हम यहाँ बसना चाहते हैं और हमारे लिए कोई पावन स्थान बताइए। तब सिद्ध बाबा ने एक कुटक को फेंक कर कहते हैं कि जहाँ पड़ेगी कुटक वहीं बसेगा कुशक। सारा हवाला इस भजन के माध्यम से आप सुनेंगे। इस बात के द्वारा बोल सिद्ध बाबा की जय। और बाबा जी ने फेंकी कुटक, अरे बाबा जी ने फेंकी कुटक, कुशक वहाँ गाम बसाया है। बाबा जी ने फेंकी कुटक, कुशक वहाँ गाम बसाया है। तेरा ना भूले उपकार, हमारा साथ निभाया है, हमारा साथ निभाया है। बाबा जी ने फेंकी कुटक, कुशक वहाँ गाम बसाया है। के आ
आशीष कुटक फेंक दी जोर से हो गिरी पेड़ जहाँ से किया पूरा मन चाहया है किया पूरा मन चाहया है बाबा जी ने फेंकी कुटक कुटक विद्वान सब आहुति डालते खुश पवन पुत्र हनुमान खुशक ये फिर कहलाया है खुशक ये फिर कहलाया है बाबा जी ने फेंकी कुटक खुशक सभी को हाथ बाबा के प्रभाव से बढ़ी कितनी बैसलात नाम दुनिया में कमाया है नाम दुनिया में कमाया है बाबा जी ने फेंकी कुटक कुटक प्रेमियों एक बार जमुना जी में बड़ी भयंकर बाढ़ आ जाती है। लोग हाहाकार करने लगे। सिद्ध बाबा की प्रार्थना मानकर श्री जमुना जी हट जाती हैं और वचन देती हैं कि मैं कभी भी कुशक गांव का कोई नुकसान नहीं करूंगी। भक्तों आज भी जमुना जी कुशक गांव वे मंदिर के बाहर ही रही हैं। आज तक कोई नुकसान नहीं किया है और किस तरह से सारा हवाला भजन के माध्यम से गुरु हरिराम जी ने लिखा है किस तरह से बोले सिद्ध बाबा की जय। अरे हटा दी सिर जमुना जी हटा दी सिर जमुना जी ओ अब कर दे जे जे कार ओ हटा दी सिर जमुना जी हटा दी सिर जमुना जी।
सिद्ध हुए प्रगट जब दिल से करी पुकार। बाबा सिद्ध हुए प्रगट जब दिल से करी पुकार। बाबा सिद्ध